अगर आप में से किसी को डर लगता हो तो ये इसका अर्थ यही है। डर कब लगता है? जब हम यथार्थ से दूर हो गए, हम सच से दूर हैं, हम वास्तविकताओं से दूर हैं। जब व्यक्ति यथार्थ से दूर जाता है, सत्य से दूर जाता है, एक और बात, जो स्वभाव से दूर चला गया है। इस धरती पे डरा हुआ मनुष्य कौन सा? जो स्वभाव से बहुत दूर चला गया। और एक बहुत निवेदन है, भागवत हमें स्वभाव में लौटा कर लाते हैं। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। भागवत का या धर्म ग्रंथों का या उपदेशों का और कोई परिणाम नहीं है जीवन में, वो हमें स्वभाव तक लाते हैं। और स्वभावतः हमें आनंद है, प्रसन्नता है, स्वभावतः हम अविनाशी हैं। अरे कोई परिचय तो पूछे हमारा क्या है। शास्त्र हमारा परिचय क्या देता है? हमारा बड़ा अद्भुत परिचय शास्त्रों में, ईश्वर अंश। हमारा जब परिचय दिया शास्त्र ने तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परिचय हमारा। हमारे शास्त्र कोई दूसरा परिचय नहीं देते। हमारे चुभ घनु वक्षस्थल भुजा और नेत्र भंगिमाएं काय कलेवर न, ये परिचय तो बहुत अलग अलग है सबका। हम सबके तो नासिका कपोल भाल चुबुक होट माथा और वक्षस्थल भुजाएं सब अलग अलग लगे, पर एक चीज हमारी सबकी एक जैसी है, ईश्वर अंश। हम ईश्वर के अंश हैं। चेतन अमल सहज ममय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। बस इसे कोई कोई देख पाता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो विचार एक काम करता है कि हमारे भीतर भेद खड़ा करता है कि ये देह है, ये मन है, बुद्धि है, और हां हमारी जिद की जड़ों को उखाड़ कर फेंकता है विचार। हमारे भ्रम का निवारण करता है। तो शास्त्र का परिणाम जानते हो क्या है? शास्त्र का एक ही परिणाम है कि आप देह नहीं है, ये बोध आपको पहले होता है। तो जो ये बोध करा दे कि मैं देह नहीं हूं,